नमस्कार। भारत में डेबिन की स्थिति, या फिर अगर आपने इंग्लिश वाला जो अंग्रेज़ी वाला टाइटल पढ़ा होगा, भारत द स्टेट ऑफ डेबिन कम्युनिटी इन इंडिया, ये हमारे इस टॉक का विषय है। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब से डेबिन की शुरुआत, डेबिन कम्युनिटी इंडिया में बढ़ना शुरू हुई और इंडिया से डेबिन डेवलपर्स बनने शुरू हुए, करंट कंडीशंस में, अभी की स्थिति में जो डेबिन कम्युनिटी है वो किस तरह इंडिया में मौजूद है, और भारतीय डेबिन कम्युनिटी का या भारतीय डेबिन समाज का मुख्य डेबिन में कितना योगदान रहा है, तो इस बारे में हम थोड़ी बात करने वाले हैं। देखते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें कवर करेंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। परिचय। भारत में डेबिन का काफ़ी ज़्यादा फैलाव, इसको मैं कहूँगा कि काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस जिसको कहते हैं, महत्वपूर्ण जो प्रेजेंस है वो इंडिया में है। और भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेबियन का उपयोग करते हैं, या उनको स्कूल्स में, सर्वर्स में उपयोग करते हैं, और उस मुख्य डेबियन में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। डेबियन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी भारत से हैं, जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट, छोटे छोटे लैपटॉप्स वगैरह जिसमें डेबियन पहले से होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी इंडिया से निकले हैं। तो डेबियन काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय परिवेश में, भारतीय सिनारियों में, जिसे हम कहते हैं परिवेश, उसमें। तो देखते हैं कि भारत में डेबियन का किस तरह से प्रेजेंस है। लोग, जब हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसमें आने वाले लोग। तो भारत से काफ़ी सारे डेबिन कम्युनिटी मौजूद हैं। मैं आपको कुछ चित्र दिखा सकता हूँ। तो हमने काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए हुए हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, और काफ़ी इन इवेंट्स में काफ़ी सारे डेबिन डेवलपर्स भारत के और भारत के बाहर के, ऐसे बहुत सारे लोग भारत में हैं। और बाकी देशों की तुलना में हमारे डेबिन डेवलपर्स कम हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो डेबियन में आपको अगर योगदान देना है तो आपको एक डेबियन डेवलपर या मेंटेनर होने की सख्त आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से योगदान देना चाहते हैं और आपको ज़्यादा प्रिविलेज लेवल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, या एक्सेस राइट्स जिसे कहते हैं, वो चाहिए हैं होते हैं, तो आपको डेबियन मेंटेनर या डेवलपर बनना होता है। तो अभी बाकी देशों की तुलना में हमारे डेबियन डेवलपर्स, या जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में DDs या DMs कहते हैं, वे काफ़ी कम हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डेबियन डेवलपर्स का सेंसस है, ये एक मैप है जिसमें डेबियन डेवलपर्स दुनिया में कौन कौन सी जगह पे मौजूद हैं उसकी जानकारी दी है। इसमें भारत में काफ़ी कम डेबियन डेवलपर्स हैं। अब हम देखते हैं कि उसमें से कौन से डेबिन डेवलपर्स भारत से हैं। तो हमारे पास कुछ कुल 11 डेबिन डेवलपर्स हैं, जिसमें कुछ डेबिन डेवलपर्स यहाँ पे लिस्ट में नहीं हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, तो वे जल्दी ये नंबर 11, 12, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। इस आंकड़े को अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले 3-4 वर्ष पहले की तुलना में अब हम ज़्यादा जल्दी जल्दी डेबिन डेवलपर्स इस लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। पहले कुछ 7 या 8 डेबिन डेवलपर्स ही हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लग गई। अभिजीत बने, फिर उत्कर्ष बने, पाला शंकर भी बहुत रिसेंटली बने हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग धीरे धीरे बन रहे हैं डेबिन डेवलपर्स।
इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एक महिला रेमिट डेवलपर्स हैं भारत से, वो एक ही हैं फिलहाल। ये संख्या जल्दी शायद बदले, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ही महिला रेमिट डेवलपर्स हैं जो कि एक अपलोडिंग डेमन डेवलपर्स है। अपलोडिंग और नॉन अपलोडिंग में फ़र्क ये होता है कि वे खुद के पैकेजेस बना के खुद रिपोजिटरीज में डाल सकते हैं, तो उनके पास यह एक्सेस राइट है। बहुत सारे डेमन डेवलपर्स या महिला डेमन डेवलपर्स नॉन अपलोडिंग भी होते हैं, और श्रुति एक अपलोडिंग डेमन डेवलपर्स हैं, और जल्द ही इस संख्या में काफ़ी सारे महिलाएं और पुरुष डेवन डेवलपर्स आए, ऐसी ऐसी हम लोग आशा करते हैं। काफ़ी सारे मेंटेनर्स हैं, मेंटेनर्स का कोई सेंसस नहीं है मेरे पास, लेकिन मेंटेनर्स की जो लिस्ट है उसमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेवन मेंटेनर्स, सिर्फ डेवन मेंटेनर्स हैं, जो अभी तक डेवलपर्स के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो काफ़ी सारे मेंटेनर्स भी भारत से मौजूद हैं। डेबियन से जुड़े हुए भारत में हुए कार्यक्रम, तो इसमें हम लोग काफ़ी आगे हैं, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डेबियन इंडिया का पेज है, डेबियन विकी पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने इवेंट्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। आपने शायद डेबियन का लूपी वीडियो देखा होगा प्रवीण का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहला मिनी डेब कॉन्फ्रेंस में 2010 में किया था पुणे में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में। उसके बाद से हमने काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और काफ़ी सारे इवेंट्स इस लिस्ट में है भी नहीं जो डेबियन स्पेसिफिक हो थे या फिर फ्री सॉफ्टवेयर इन जनरल थे, लेकिन उसमें डेबियन वाला काफ़ी वाला सारा पार्ट हमने लिया था, तो वो सारे इवेंट्स इसमें है भी नहीं। लेकिन जो यहाँ इस लिस्ट में है वो भी काफ़ी सारे हैं, कई सारे मिनी डेबकॉन्स। इसमें एक मुख्य ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम लोगों ने मिनी डेबियन कॉन्फ्रेंस को एक थोड़ा सा सा मॉडिफाई करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, डेबियन उत्सव। हम लोगों ने ये उत्सव या उत्सवम हमने 2018-17 के पास से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, जिसमें हमने फ्री सॉफ्टवेयर और डेबियन दोनों को बराबर की हिस्सेदारी दी थी। तो इसमें फ्री सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉक्स भी होते थे और डेबियन रिलेटेड टॉक्स होते थे। मिनी डेबकॉन्फ का एक भारतीय रूप हम डेब उत्सव को कह सकते हैं, तो काफ़ी सारे डेबियन उत्सव भी हमने ऑर्गेनाइज़ किए। आप देख सकते हैं शायद अगर यह वेबसाइट चल रही हो तो, या आखिरी डेब उत्सव हमने गोवा में किया था पिछले साल, नहीं सॉरी अभी हम लोग 20 में नहीं, 21 में, पिछले के पिछले साल 2019 में सितंबर में हमने डेब उत्सव भी किया था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ पे की थी। तो उसके पहले भी काफ़ी सारे डेब उत्सव और मिनी डेब कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो मिनी डेबियन कॉन्फ्रेंसेस और डेब उत्सव, ये दो मुख्य प्रकार के आयोजन हैं जो हमने काफ़ी सारे किए हुए हैं। इसके अलावा भी कई सारे छोटे से छोटे और बड़े टॉक्स हम लोग करते रहते हैं। डेबियन जो कंप्यूटर की संगणक प्रणाली है, संचालन प्रणाली है, इसके काफ़ी सारे भारतीय रूप भी हमने देखे हैं। भारत से डेबियन के कई सारे डेरिवेटिव्स निकले हैं, जिसमें फिलहाल डेबियन उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेबियन से निकल के डेबियन को फोक करके या डेबियन का सोर्स कोड कॉपी करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं खुद का, ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक सेंसस जो है, जिसको हम कहते हैं गणना, तो गणना भी हमने रखी हुई है। तो एक डेबियन डेरिवेटिव सेंसस नाम की एक लिस्ट है, इस लिस्ट में भारत से आने वाले जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें है बॉस लिनक्स, जो कि हमारी सरकार ने का जो एक भाग है सीडैक, उन्होंने बनाया हुआ है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। इसके अलावा हमारे भारत से निकले हुए ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा लिनक्स, यह भी भारत डेबियन डेरिवेटिव है,
इसके अलावा टेंगोस, ये हमारे दक्षिण भारत से के का जो केरला राज्य है वहाँ पर मुख्यतः मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो यह मुख्यतः तीन है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, और ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो डेबियन के जो डेरिवेटिव हैं, उबुंटू उबुंटू के डेरिवेटिव कुछ भारतीय भी हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेरिवेटिव भारत से काफ़ी सारे हैं। तो जैसे मैंने बताया, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, हमारा लिनक्स और टेंगोएस। अगली जो मुख्य बात जो मुझे बतानी है कि भारत जो है डेपकॉन 2023 का मुख्य आयोजक है। आपने अगर बिड पेज देखा हो, पिछले साल डेबियन कॉन्फ्रेंस इसराइल में होने वाली थी, लेकिन जो जागतिक महामारी है उसकी वजह से वो नहीं हो पाई। वो ऑनलाइन हुई, इन पर्सन नहीं हो पाई। तो शायद वो इस साल हो। तो उसके हिसाब से 2021 के लिए हमने बिड किया था, लेकिन ये हमें 21 में नहीं मिल पाई, हमें 2023 में मिली है। 21 में शायद शायद इसराइल में हो इन पर्सन। 22 में कोसोवो नाम के देश में होने वाला है, और 23 में भारत में डेपकॉन हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अगर आप इस टॉक को सुन रहे हैं तो 23 तक आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, और डेपकॉन 2023 में ज़रूर भाग लें, क्योंकि वह भारत में होगा। और न सिर्फ भारत वाले, जो पहले होने वाले हैं 2022 और 21 में, उनमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लें आप। इसमें अभी जो डेपकॉन होने वाला है उसकी टीम देख सकते हैं, काफ़ी सारे डेबिन डेवलपर्स, डेबिन मेंटेनर्स हैं, और काफ़ी सारा अनुभव यहाँ पर है। ये केरला राज्य में होने वाला है, कोची में, और कई अच्छा तरह का खाना और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो आपका स्वागत है। आप 2023 में, आप जहाँ से भी हैं, आप केरला में आएँ और 2023 में डेपकॉन का भाग बने। तो मुख्यतः यह बात थी का समय की का जो हमारे पास अभाव है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बता नहीं पाया, लेकिन हो सकता है, मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने जो भारत में स्थिति है डिबेन की, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला होगा। आगे चल के मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल लिख सकता हूँ या और कोई वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं भारत के में जो डिबेन की स्थिति है या जो कम्युनिटी है उसको मैं ज़्यादा अच्छी तरह से कवर कर पाऊँ। धन्यवाद। मेरा नाम राजू है।